मैयत की तरफ से हज और उमरा कर सकते हैं तो नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते जबकि दोनों इबादत है? ये शरीयत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, ये शरीयत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, सदका व खैरात मैयत की तरफ से कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है, नमाज की इजाज़त नहीं। वो इबादत हम कर सकते हैं जिन इबादत की इजाज़त दे दी गई, इबादत में असल मना है, नहीं की जा सकती जब तक कि उसकी इजाज़त ना आ जाए। इदामात अल इंसान इनक़ता अनहु अमलहु इल्ला मिन सलास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो उसके साथ साथ उसके आमाल का सिलसिला भी बंद हो जाता है। अब आमल का सिलसिला ख़त्म, अब उसके बाद जज़ा का सिलसिला शुरू। लेकिन ये रब की मेहरबानी और उसका फ़ज़ल है कि बाज़ चीज़ों के सिलसिले को रब करीम उसके मौत के बाद भी बाकी रखे हुए हैं। उसने अपने मसलहत से बाज़ चीज़ों की इजाज़त दी है, ज़रूरी नहीं कि सारी मसलहतें हमारे सामने खोल करके बताई ही गई हों। तो चंद चीज़ों का तज़किरा है कि जो मैयत की तरफ से की जाएँ तो उसके लिए नफा बख्श होगा, जिनमें सदका है, जिनमें दुआएँ हैं, ख़ास तौर से सदका जारिया जिसमें हज और उम्रा है, और वो रोज़ा है जो कि वाजिबी रोज़ा जिसको कहें। कुछ लोगों ने उसको मुकय्यद किया हुआ है कि इंसान ने नज़र मानी थी और उसे पूरा करने का वक्त नहीं मिल सका तो इस नज़र रोज़े की, और कुछ लोगों ने उस पर क़यास करते हुए फ़राइज़ को भी उसके साथ जोड़ा हुआ है, गोया कि फ़राइज़ रोज़े की क़ज़ा जो मैयत के ऊपर आ चुकी हो की जा सकती है। ये चंद चीज़ें हैं जो मैयत की तरफ से अगर की जाती हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी इजाज़त।